असलम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मोबाइल फ़ोन के कैमरे के बारे में और एक DSLr के बारे में। बेसिकली मैं आज इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि इनमें से एक मोबाइल फ़ोन का कैमरा अच्छा होता है या DSLr का, या एक मोबाइल फ़ोन DSLr के मुकाबले की फ़ोटो ले सकता है या नहीं। तो पहले मैं इसको एक स्टैंड लगा देता हूँ ताकि इससे कोई गिरने का खतरा ना रहे। पॉइंट शूट कैमरे के मुकाबले में आपको एक मोबाइल फ़ोन कैमरा दे रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप आईफोन एक्स लें, आईफोन 7 प्लस लें, S7 लें, गैलेक्सी में इसमें सैमसंग में आ जाएं, तो बहुत सी आपको और भी बहुत से डिफरेंट मोबाइल हैं, ओप्पो वगैरह और मुझे बाकियों के नाम नहीं याद, तो उनमें बहुत अच्छे कैमरे आ रहे हैं। मैंने बाकियों के चेक नहीं किया तो मैं इसलिए उनके बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए मोबाइल फ़ोन के कैमरे बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप DSLr के मुकाबले में आ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं फ़ोटोज़ में। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी, काफ़ी प्यारी फ़ोटो आ जाएगी, लेंस भी काफ़ी वाइड होता है। लेकिन उनमें एक चीज़ है जो DSLr देते हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि इनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन DSLr का मुकाबला करना इनके पास की बात नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल लेंस यूज़ करें तो फिर काफ़ी हद तक उसके करीब चला जाता है, लेकिन उसके लेवल तक नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फ़ोन के कैमरा बकवास हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, लेकिन DSLr में बहुत सी चीज़ें आपको मैनुअली वो मिल जाती हैं, मसलन उनका वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जबकि इनमें मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ नहीं आ रही। देखिए अगर हम फोकसिंग की बात करते हैं तो फोकस होता है लेंस की मूवमेंट से। जब आप DSLr लेते हैं तो उसके लेंस में एक फोकस रिंग होता है जो लेंस को आगे पीछे करके आपकी इमेज को, आपकी एक इमेज की खास एरिया को फोकस में रखता है। आप किसी अगर फोटो ले रहे हैं वहाँ पर जो सीन होगा, आप जब फोकस रिंग को छेड़ेंगे तो अभी अगर आप, मैं अभी इसे यहाँ पर रखता हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है एक फोकस रिंग। देखिए अभी क्योंकि आपने इस मोबाइल फ़ोन पे फोकस रखना चाहते थे तो अभी वो फोकस वहाँ पे चला गया, लेकिन अभी फोकस मुझ पे आ गया। ये होता है एक लेंस की मूवमेंट से एक फोकस का कंट्रोल होना। इससे आप लेंस को मूव करके फोकस कंट्रोल करते हैं, लेकिन DSLr में वो, इसमें सॉरी मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ नहीं आती। एक मोबाइल फ़ोन का कैमरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मोबाइल फ़ोन का कैमरा बिल्कुल फिक्स रहता है, वो लेंस उसका मूव नहीं करता। वो जो भी आप चीज़ कर रहे होते हैं, आप अपर्चर कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप एफ स्टॉप्स को आगे पीछे कर रहे होते हैं, आप शटर स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, वो सब कुछ होता है उसका सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके अंदर एक शटर नहीं होता, मोबाइल फ़ोन के अंदर एक शटर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि DSLr में एक शटर होता है जो ऊपर नीचे इस तरह करके आपकी फ़ोटो को कैप्चर कर रहा होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इमेज सेंसर की। देखिए इमेज सेंसर वो चीज़ है जो आपकी फ़ोटो को कैप्चर करता है, जो कि DSLr में शटर के पीछे लगा होता है और एक मिररलेस में वो बिल्कुल ओपन होता है, उसके आगे कोई शटर नहीं होता। मोबाइल फ़ोन में वही चीज़ इमेज सेंसर बहुत छोटे साइज़ का होता है। फ़ोटो बेशक अच्छी आती है लेकिन उसमें डिटेल इस वजह से कम आती है क्योंकि शटर में इमेज सेंसर छोटा होता है। इमेज सेंसर का बेसिकली काम यही होता है कि वो आपकी फ़ोटो की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को अपने अंदर कैप्चर कर पाए। जितना बड़ा फ़ोटो सेंसर होगा उतनी इमेज सेंसर होगा उतना ज़्यादा डिटेल्स आपकी मोबाइल फ़ोन आपकी फ़ोटो में आएंगी। अगर आप एक DSLr का इमेज सेंसर देखें क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को अपने अंदर कवर कर लेता है, जबकि मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ नहीं है। आप एक अच्छी से अच्छी फ़ोटो लें मोबाइल से और DSLr की फ़ोटो को आप अगर जूम इन करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा वहाँ पे, जब वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। एक मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो जल्दी ब्लर हो जाती है, पिक्सल जल्दी उसके फट जाते हैं, जबकि DSLr काफ़ी हद तक जूम हो जाता है एक फ़ोटो लेने के बाद भी। तो भी आते हैं हम बैकग्राउंड ब्लर की वजह से। बैकग्राउंड ब्लर में जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फोकसिंग एक लेंस के थ्रू होती है, वो मोबाइल फ़ोन में वो लेंस मूव नहीं कर रहा होता तो फोकस हो रहा होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो उसके अंदर बिल्ट होता है। जिस तरह अभी आप एक फ़ोटो एडिटर डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लर का ऑप्शन होता है, आप ब्लर सेलेक्ट करते हैं, वो एक ब्रश टूल सा बन जाता है और आपको आप उसको अपनी मर्जी की जगह पर उस इस तरह स्वाइप करके वहाँ इस एरिया को ब्लर कर देते हैं, तो मोबाइल फ़ोन उस तरह ब्लर कर रहा होता है। अगर तो आपको मेरी इस बात पर यकीन ना आ रहा हो तो ये अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, मैं इसको अभी जूम करता हूँ तो अभी आप अगर देखें कि यहाँ एक एरिया में बैकग्राउंड ब्लर है, जबकि बिल्कुल उसी फ़ोटो के उसी बैकग्राउंड को उस कैमरे ने ब्लर नहीं किया, क्योंकि कैमरे को क्योंकि उसके सेंसर को ये लग रहा था कि ये भी फ़ोटो का हिस्सा है और ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड नहीं है, तो उसने उसे बैकग्राउंड नहीं किया। अभी हम थोड़ा सा ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जो ये इसमें सब्जेक्ट हमारा खड़ा है तो इसके साथ आप देखें तो इसकी बाजू के करीब कुछ एरिया में
ब्लर नहीं हुआ हुआ, वहाँ से वो इन फोकस है। हालांकि वो है बैकग्राउंड का हिस्सा, वो इस वजह से हुआ क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन उसके ऊपर अपना उसके ऊपर इफेक्ट लगा रहा था, एक मोबाइल फ़ोन उस मोबाइल फ़ोन में इतनी पावर नहीं थी वो ये स्कैन कर सके कि मैं फोरग्राउंड कौन सा है कि बैकग्राउंड कौन सा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा था, इसलिए उसने उसके ऊपर बस वो एक ब्लर का इफेक्ट लगा दिया जिसमें वो कई जगह पर वो मिस हो गया। इस वजह से वो फ़ोटो सही नहीं आई और वो बहुत अजीब सी लग रही है। हाँ, जो लोग फोटोग्राफी की फील्ड में नहीं है जो इतनी डिटेल्स में नहीं जाते वो कहेंगे कि हम बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन ब्लर एक इफेक्ट नहीं होता। DSLR में ब्लर बेसिकली लेंसेज की मूवमेंट से आपकी एक खास एरिया को फोकस कर देता है, तो वो मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहे। इमेज सेंसर छोटा है, क्योंकि इमेज सेंसर छोटा है इसलिए डिटेल्स फोटो में कम आएंगे, तो इस लिहाज से एक DSLR के मुकाबले में कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं आता। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इनमें शटर वगैरह और किस तरह बाकी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो गाइस मैं आगे मोबाइल फ़ोन के कैमरा में भी आप देखिए, मैं इसको मोबाइल फ़ोन कैमरा ऑन किया और मैंने इसको प्रो सेटिंग्स पे रखा हुआ है, तो इसमें आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी अपर्चर वगैरह, ये ISO वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैन फोकस पे आप अगर आते हैं तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी वो सारी आपकी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल की जा रही होती है। वो इसके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो इसे कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इसके आगे अभी आप अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोकस रिंग वगैरह आपको नहीं मिल रहा जिसकी मदद से आप इसको फोकस को कंट्रोल करें, तो ये छोटा सा इसका इमेज सेंसर है इसके अंदर। तो यहाँ पे अंदर एक अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा लेंस है, आप इस लेंस से ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिल पा रहा, तो यही है सब कुछ होता है इसका, जितना वाइड होगा उतनी आपके पास सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कोई अपर्चर रिंग नहीं है, इसके अंदर कोई जूम इन के लिए लेंस मूव नहीं कर रहा होता, ना ही इसके अंदर इतना बड़ा, अगर आप देखें तो कैमरा सिर्फ इस साइज़ का है, ये तो बस इसकी बारे से इन्होंने एक शेप बनाई है, इतना सा आपको कैमरा, तो जितना ब्लैक रिंग आप देख रहे हैं इतना इसके अंदर एक इमेज सेंसर होता है, और मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि इमेज सेंसर जितना बड़ा होगा इतनी ज़्यादा डिटेल्स वो फोटो के अंदर कैप्चर कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा मोबाइल फ़ोन है और क्या उसका भी अपर्चर इस तरह काम करता है या वो DSLR से बेस्ट है।